कश्मीर जाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी। सो हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल चाल है आपकी, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो यार आइसक्रीम खानी है नाइस। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आइसक्रीम फोर। एक्चुअली में एक हॉरर गेम है, बट एक्चुअल बताऊँ तो ये हॉरर नहीं है, सस्पेंस थ्रिलर टाइप का गेम है। ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा तुम्हें हॉरर टाइप का। और जैसा देख सकते हो इसकी स्टोरी दिखा देता हूँ मैं। एक अच्छी खासी कैब जा रही है, आइसक्रीम कैब, और आइसक्रीम फैक्ट्री फ्रॉस्टी फैक्ट्री में जा रही है। और देख सकते हो फैक्ट्री भी काफ़ी लाजवाब है, और एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो कि आइसक्रीम खा रहा है अपने मुँह में ठूस ठूस कर। ओके, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो, ओ भाई साहब, इसके अंदर भी एक गराज बनी हुई है जहाँ पर ये बस जाएगी। और ठीक है, ओ भाई साहब पूरी ऑटोमेटिक है ये। चलो ठीक है, बैटमैन का घर लग रहा है ये। ओके तो ठीक है, ओके तो ये आइसक्रीम मैन है शायद, आइसक्रीम लेकर आया है। नहीं भाई साहब, ये आइसक्रीम नहीं लेकर आया है, ये तो किसी को किडनैप कर लेकर आया है, वो जो कि देखने में तो मैं ही लग रहा हूँ, काफ़ी मोटा हो गया हूँ इस गेम में। ओके तो ये हमें गाना गा कर सुना रहा है, सुन लेते हैं। भाई साहब इसकी कमर क्यों लचक रही है वैसे, मुझे तो लग रहा है रील से तो नहीं आया कहीं। ओके ठीक है, मजाक बहुत हो गई। और जैसा देख सकते हो, ओ ओके तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं। ये लोग काफ़ी नाराज़ होकर बैठे हैं, और ये तो निकलने को बेताब हो रहा है। ओके थोड़ी इसकी भी लेक्चर सुन लेते हैं गाइस। इसकी आवाज़ थोड़ी जोकर जैसी लग रही है। Talk about your adventures. But don't get too comfortable. No, no, no. Now that you're all beautiful and plump and chubby, soon you will enter my special room and I'll squeeze you to the left. Oh, भाई साहब, plan सही नहीं लग रहा है ये चचा का। चीचा का plan सही नहीं लग रहा है। चीचा के factory से निकलना पड़ेगा। You need to get out of this cage. Okay, ठीक है, वो पढ़ लिया मैंने। और देख सकते हो ये केज है, और इसके बगल में एक टेबल रखी है, इसको हिलाएंगे तो यहाँ से रेंच निकलेगी और इससे ये ताला खुलेगा। दो तीन दफ़ा मारेंगे तो ये ताला खुल जाएगा। देखो गाइस, एक्चुअली में मैंने एक दो तीन बार गेम खेली है ये वाली, तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट से करेंगे। अरे यार ये क्या ग्लिच हो जाता। तो ये वेंट के जरिए हम लोग यहाँ से बाहर आ चुके हैं, और ये जैसे दरवाज़ा खोलेंगे ना तो अभी छोटा सा क्लिप देखने को मिल जाएगा आप लोग को। जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोल रूम के बाहर पर एक रोबोटिक गार्ड, रोबोटिक सिक्योरिटी गार्ड लेटा हुआ। उससे पंगे मत लेना भाई, एक थप्पड़ में मर जाओगे वहीं पे। ठीक है, तो यहाँ से निकलकर इस वाले दरवाजे के सामने जाएंगे। ये ऑफिस है, ये ऑफिस रूम के अंदर में मुझे एक ट्रॉफी ढूंढनी है। ना 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 ना, वो वर्ल्ड कप वाली ट्रॉफी नहीं, वो वाली ट्रॉफी नहीं। और देखो यहाँ पर ना आइसक्रीम है, तो आपने गाइस तीन आइसक्रीम भी कलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो काम पड़ेगा तो मैं आपको आगे बता दूंगा, बट अभी फ़िलहाल मेरे को ट्रॉफी ढूंढनी है सबसे पहले, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर इस वाले रूम पर भी नहीं है, आई थिंक कि नेक्स्ट वाले रूम पे होगा। बट मैं क्या करता हूँ ना, ये आइसक्रीम लेकर यहाँ से क्लियर सेक्शन में फेंक देता हूँ। ये बड़ा सा कॉरिडोर, ओ भाई साहब यहाँ पर ये रोबोट है। चलो ठीक है, मेरा काम तो आसान हो गया, मुझे ट्रॉफी इसी वाले रूम में मिलेगी आई थिंक। वो देखो दिख गई, ये देखो ये ट्रॉफी, ये ट्रॉफी एक्चुअल में स्क्रू ड्राइवर की काम करेगी गाइस। और मुझे ना इससे बचते हुए इस वाले रूम पर जाना है, जो कि ये गराज रूम है, वही गराज रूम जो आपने बाहर से देखा था स्टोरी मोड पर। भाई साहब ये मेरे पीछे पड़ गया है, ये देख सकते हो वही चिच्चा है। और इस चिच्चा से बचने के लिए ना अभी ये सीढ़ी खोलूँगा, और यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा हमको। और यहाँ पर ना भाई चिच्चा तो पीछे ही पड़ा हुआ है, चिच्चा को मारते हैं, चिच्चा को तो असर ही नहीं पड़ा भाई। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रोबार कहते हैं ना उसको, क्रोबार कहते हैं, क्रोबार पड़ी है अभी, इसको चिच्चा को अभी अकल ठिकाने लगाते हैं। आओ चिच्चा इधर आओ। ओ लगी, अभी कैसी लगी, अच्छी लगी, बढ़िया लगी, मज़ा आया। चलो ठीक है, चिच्चा को तो मार लिए, अभी ट्रॉफी लेकर ना सबसे पहले यहाँ पे एक सीक्रेट कमरा का ना वेंट है, ठीक है वहाँ हमने जाना है, वहीं पे सारा तामझाम होगा। और ये स्क्रू ड्राइवर से ही खुलेगा। अरे भाई साहब ये फिर आ गया यार, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, क्या तकलीफ है भाई को। ठीक है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, तुम्हें ट्रॉफी देता हूँ, इधर आओ। लग गई ट्रॉफी, लग गई। चलो ठीक है, अभी यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले एक लास्ट वाली है, मैंने स्क्रू ड्राइवर खोलनी है गाइस यहाँ पर, और इस वाले स्क्रू ड्राइवर को खोल कर ना
इवेंट तो खुल गया, अभी हमारा काम हो गया। चिच्चा फिर से नाराज़ हो गए, चिच्चा आ रहे हैं, चिच्चा को ऊपर से ही मारेंगे, सीढ़ी से गिर गए चिच्चा। टंगड़ी वंगड़ी हड्डी वड्डी तो नहीं खिसक गई ना। चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। और देख सकते हो क्रोबार की भी ना एक काम रहेगी गाइस, यहाँ पर एक सीक्रेट रूम था रोबोट गेम पे है। ओके, इसको तो कोई असर ही नहीं पड़ता है, ये एक्चुअल में रोबोट है। ये खुद ही थोड़ी देर चिल्लाएगा सायरन वायरन मारेगा, देन उसके बाद बेहोश हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये क्रोबार उठाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एक सीक्रेट दरवाज़ा था जो ब्लॉक था ये सारे प्लैंक्स से। प्लैंक्स पे ना कीले ठोकी हुई है, नेल्स, तो उनको निकालने के लिए क्रोबार काम आता है। तो यहाँ से हम लोग फटाफट से निकाल लेंगे, तो देख लेते हैं जितना जल्दी हो सके फटाफट से करेंगे, क्योंकि मैप काफ़ी बड़ा है, बहुत लेट होता है इस पर। ग्रैनी जैसा नहीं है छोटा सा कि तुरंत हो गया। अरे भाई चिच्चा यहीं पर खड़े हैं, इन चिच्चा से ना, इन चिच्चा से बचना है। ये देखो अभी भी आ रहे हैं, ये भी बड़ा कमर मटका मटका के आ रहे हैं भाई। चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। ये भाई साहब, ये तो रोबोट वाला गार्ड भी पड़ा है भाई साहब। यहाँ से ना वेंट्स करके निकलनी पड़ेगी, कहीं ये वेंट्स तो नहीं आएगा चिच्चा। ओ भाई साहब वहीं से भी जाग रहा है वो। चलो ठीक है, यहाँ से भी निकलते हैं, ये भी मेरे पीछे पड़ गया। ओके ठीक है, मैं अच्छा हुआ यहाँ बच गया, वरना ये अगर पड़ जाता ना तो वो मुझे शॉक देता थोड़ी देर के लिए और मैं अटक कर रह जाता वहाँ पे। खैर चलो, चिच्चा से और बिच्चा से सबसे पाला छूटा है अभी, और ये बिच्चा यहाँ पर, अरे भाई देखो ये शॉक दे रहा है। जल्दी जल्दी टैप करेंगे स्क्रीन पे तो बच जाएंगे हम, और ये थोड़ी देर के लिए बेहोश होगा अभी वहाँ पे। अरे ये गजब हाल है भाई चिच्चा, इधर से, ओ अच्छा शॉर्टकट वाले, अरे नहीं मैं फंस गया। ओ नहीं यार, अरे भाई ये क्या है भाई, एटॉमिक ब्रिज छोड़ रहा है, ये तो गॉडज़िला है, गॉडज़िला का चिच्चा है ये। चलो ठीक है, ये सेकेंड राउंड हो रही है हमारी। ऐसे तुम्हारे पास 3 लाइफ लाइन रहती है, 1 लाइफ लाइन तो गई हमारी, सेकेंड लाइफ लाइन खेल रहे हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके तो यहाँ पर आपको रेंच नहीं मिलेगा, इस पेंटिंग को गिराओगे यहाँ पर सीक्रेट ओल्ड की मिलेगी, उससे आपकी लॉक खुल जाएगी गाइस। ये सेकेंड राउंड पे होगा आपका। ठीक है, हमारी इवेंट वगैरह खुली हुई है, वहीं से निकलते हैं। आधी अधूरी मिशन रह रही है हमारी। मेरी कुर्सी किधर है? वो कुर्सी को लेके जाना है मुझे उस वाले इवेंट में। भाई साहब मैं इधर कहाँ घुस गया? चलो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। ये देखो मेरी कुर्सी पड़ी हुई है, इस चेयर को उठा लेते हैं यहाँ से। उठा भाई, स्काई लेडर कहते हैं इसको। ओके, छोटी सी लेडर टाइप की होती है ना, वही है। और देख सकते हैं गराज में चिच्चा तो, चिच्चा तो यहीं पे खड़े हैं भाई, मैं कहाँ जाऊँ? अरे नहीं यार, ये रोबोट भी वहाँ पे, चिच्चा भी यहाँ से आ गए हैं। अब रोबोट तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, ये तो अटका लेगा यार। ये देखो, और नहीं 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 नहीं, मैं मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। और देखो मार दिया, एटॉमिक ब्रीथ एकदम पकड़ कर मुँह पर छोड़ते हुए चिच्चा हमारे। चलो ठीक है, ये बात तो हमारी गेम ख़त्म हो गई, और ये लास्ट राउंड है शायद से। दो राउंड तो हमने खेल लिए है, ये लास्ट राउंड है, और मैं इस पर तो नहीं मरने वाला। और इस पर देखो, इस वाले पे ना लॉक खोलने की थोड़ी सी अलग टेक्निक है। इसके मत्थे पर देखना आप लोग, एक पेन दिखेगी आपको, ये देखो इस पेन को चोरी करना है। और ये पेन आपको तभी मिलेगा जब बार बार आप केज को धक्के मारोगे, तो ये आपको देखने आएगा कि बंदा बचा भी है या सही है या नहीं। जैसे वो करीब आएगा उसके माथे से पेन निकाल लेना आप लोग। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग चिच्चा वाले रूम में आ गए, बढ़ने चले हैं। चिच्चा कहाँ हमारे? ये हमारी कुर्सी पड़ी है, इसको उठा लेते हैं। मेरी आइसक्रीम भी यहाँ पे पड़ी है यार, आइसक्रीम भी खाना है, कश्मीर भी जाना है। चिच्चा 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 हमारे काम कर रहे हैं, तो फटाफट से जाकर लीडर को सेट कर देते। ये मेरी लास्ट राउंड है गाइस, अगर मैं मरा तो भाई ख़त्म खेल सारा वाला, एकदम ना संभल कर खेलना पड़ेगा मुझे। और इस वाले इवेंट से अभी जाकर मैं जा रहा हूँ अंदर, दिखाता हूँ आपको पूरा ओवरऑल शोरूम दिखा देता हूँ आइसक्रीम की। यहाँ से ही आइसक्रीम की पूरी शोरूम दिखेगी आपको। चिच्चा भी पीछा कर रहे थे, बट ये इंट्रो था तो मैं हटा दिया हूँ इसको। तो यहाँ से मैं कूद कर जाता हूँ, ये एक्चुअली में वेयर हाउस है। देखने में ऐसे कुछ लगता नहीं है कि नैप टाइप का है, ऐसा कुछ डरावने सस्पेंस भी नहीं है, बस वो चिच्चा है ना, चिच्चा थोड़ा पीछा करते हैं और ये छोटे छोटे रोबोट चिल्लाने लगते हैं, बस वही थोड़ी सी सस्पेंस है। देख सकते हो दो आइसक्रीम मिल चुकी है मेरे को, यहाँ पर भी एक आइसक्रीम था और एक ऊपर में तो है ही है। हमें 3 आइसक्रीम की ज़रूरत पड़ेगी गाइस, तो 2 आइसक्रीम ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर चुके हैं। तो अभी देख सकते हो एक लेडर लेके क्यों जा रहा हूँ मैं, वो आपको दिखा दूँगा। ये देखो यहाँ पर लेडर आपने सेट करनी है अकॉर्डिंग टू जैसा दिख रहा है वो वैसी सेट करनी है। और हमने चाहिए एक फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर वाला कहाँ पर मिलेगा? हमने गैस टैंक को तो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमने तोड़नी है एक फ्लोर, यहाँ पर रहती है बट यहाँ पर है नहीं।
ओके, तो अब कहाँ पर ढूंढें? वेयर हाउस में तो नहीं मिलेगा वो शायद। एक आइसक्रीम मिल रही है, तो ये देखो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आइसक्रीम का क्या काम है यहाँ पर। आइसक्रीम लेके मैं निकल पड़ा हूँ, और यहाँ पर से तो सीधे सीधे जाना है जहाँ से कारपेट जा रही है ना, एकदम सीधे सीधे कारपेट को फॉलो करते हुए चले जाना। यहाँ से कारपेट ख़त्म होगी, ये देख सकते हो रिसेप्शन रूम आ गया। यहाँ पर एक ख़राब रोबोट दिखेगा जिसकी पसीने छूट रहे होंगे। खैर देखो यहाँ पर 3 स्लॉट दी हुई है गाइस, तीनों स्लॉट पर आइसक्रीम लगाओगे तो तुम्हें एक बढ़िया सी ना क्या कहते हैं उसको, बबल गम मिलेगा। खैर ठीक है, अभी पहले तो एक आइसक्रीम लग गई, एक आइसक्रीम ऊपर है हमारे, एक आइसक्रीम हमने अभी भी ढूंढनी बाकी है। और देखो ये थक के सो गया, ये ख़राब रोबोट है, इसकी आईडी कार्ड चुरा लेते हैं जो हमें आगे के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी। और आईडी कार्ड चुरा के ना यहाँ पर फेंक देते हैं। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, ये पूरा मैप का नक्शा है उसका, छोटा सा डेमो है। और यहाँ पर देख सकते हो एक सीक्रेट रूम है। ओ शिट, ओके, फायर एक्सटिंग्विशर भी मिल गया, छोटा वाला रोबोट भी था, साफ़ सफाई कर रहा था बट पकड़ नहीं पाया हमने। तो यहाँ से निकल जाते हैं फटाफट से, और जाकर ना वो वाली जो फ्लोर है उसको तोड़नी है हमने, तो उससे फायर एक्सटिंग्विशर से ही काम आएगा ये। तो फटाफट से भाग कर जाते हैं जहाँ पर हमने वो लेडर वाली लगाई थी ना छोटी सी कुर्सी। तो ये देखो यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, देन उसके बाद पतली गली पकड़ के ये वाली प्लैंक को गिराएंगे यहाँ पर नीचे। देन उसके बाद ये देखो ये वाली जो है ना, इसको 2-3 बार मारेंगे तो टूट जाएगा ये फ्लोर। फ्लोर टूटने के बाद वहाँ पर पूरा गड्ढा बन गया। हमने चाहिए कारपेट, तो कारपेट मिलेगी गाइस उस आईडी कार्ड से। और अभी देखते हैं पहले क्या करना है। मुझे ना काफ़ी सारी कोड्स यहाँ पे पता चल गई है, बहुत सारी कोड्स दिख गई है इनफैक्ट। और अभी कोड्स का क्या काम है मैं आपको आगे बताऊँगा गाइस, अभी नहीं बताऊँगा। देख रहे हो ये सारे कोड्स, ये कोड्स काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले ये छोटे छोटे रोबोट्स ना बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनसे बच बचा कर हम लोग निकल पड़ते हैं यहाँ से। और देख सकते हो 8 है, ओके ठीक है। तो यहाँ से मेरे को 4 कोड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। अरे यार इसने फिर से फंसा लिया, चलो ठीक है इससे तो बच गया मैं। और मुझे आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी अभी, बट मैं सोचता हूँ मैं एक आइसक्रीम और लगा लूँ, क्योंकि 2 आइसक्रीम तो ऑलरेडी है ही है मेरे पास। फिर भी आईडी कार्ड उठा लेते हैं, अगर कहीं आइसक्रीम मिल जाए तो आईडी कार्ड छोड़ देंगे। आईडी कार्ड की हमें ज़रूरत तो पड़ेगी। और ये थका रोबोट अभी थक चुका है, फिर से ज़िंदा हो गया क्या? ये फिर से ज़िंदा हो गया, इसको मारना ही पड़ेगा। तो इसको पहले सबसे पहले टपकाते हैं, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना इस रिसेप्शन के सामने एक छोटा सा टॉयलेट रूम है, तो वहाँ पर हमने जाकर एक्सप्लोर करना है, कहीं वहाँ पर तो आइसक्रीम ना मिल जाए। समझ सकता हूँ गाइस टॉयलेट पर भी आइसक्रीम नहीं, खाने वाली आइसक्रीम नहीं है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो फटाफट से एक एक रूम को खोलेंगे, देखेंगे किसी कमोड में ना दिख जाए हमारी आइसक्रीम। और जैसा देख सकते हो एज़ यूजुअल दिख गया यहाँ पे आइसक्रीम, तो 3 आइसक्रीम हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप लोग बोले कि 3 आइसक्रीम कैसे? एक आइसक्रीम लगा रखी है, एक आइसक्रीम हाथ में है, और एक आइसक्रीम ऊपर में है सबसे स्टार्टिंग में जो मैंने फेंका था। अब बारी आई उसी की, अब मैं जा रहा हूँ उस वाले आइसक्रीम को लेने के लिए। अरे भाई साहब नहीं 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 चिचिया, इस बार नहीं मार पाओगे, इस बार नहीं मार पाओगे, पूरी प्लानिंग के साथ में हूँ मैं, इस बार तो मैं जीतूँगा ही जीतूँगा। खैर देख सकते हो अब मैं ऊपर जाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वो लास्ट वाली आइसक्रीम लगानी है जिससे मुझे को मिलेगी बबल गम। तो फटाफट से जाते हैं चीचा वाले वेंट से, चीचा तो हमारे न्यू वाला रिसेप्शन में ही बिजी हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए तो यहाँ पर तो कोई नहीं होगा, तो यहाँ से फटाफट से हम अपना काम कर लेते हैं। और जैसा देख सकते हो मैं पुराने वाली जगह पर आ गया हूँ जहाँ से स्टार्ट करा था मैंने, और यहाँ पर देख सकते हो आइसक्रीम पड़ी हुई मेरी, जो कि मुझे स्टार्टिंग में मिली थी, सबसे फर्स्ट में मुझे यही चीज़ मिला था। ठीक है तो मैं यहाँ से नीचे गिर जाता हूँ। चीचा कहीं सीढ़ी से तो नहीं आ रहे ना? आ तो नहीं रहे ना, मेरे पास फेंकने के लिए सिर्फ आइसक्रीम ही रह गया है। चलो ठीक है, चीचा अभी यहाँ पर है नहीं, तो जाकर फटाफट से इस वाली आइसक्रीम को भी सेट कर लेते हैं, क्योंकि करना ज़रूरी है यहाँ पे। देखो यहाँ पर ये सारे जितने भी गेम्स होते हैं ना गाइज, हॉरर गेम्स, इस पर आपको ना ये जितने भी आपको गैजेट्स कह रहा हूँ, ये गैजेट्स नहीं है, जितने भी सामानें मिलती हैं ना इनको आपने इकट्ठा करना होता है, आपने याद करना होता है कौन सी ऑब्जेक्ट किधर को लगानी है। ठीक है तो ये पर्टिकुलर चीज़ अगर माइंड में रखोगे तो गेम आसान हो जाती है। जैसे मैं 2-3 बार खेला तो मेरे को याद आ गया कौन सी चीज़ कहाँ पर सेट करनी है। भाई साहब ये चीचा यहाँ क्या कर रहे हैं? चीचा ये रोबोट भी आ गया, ये हल्ला कर देगा तो चीचा आ जाएंगे, और मेरे पास इनको संभालने के लिए कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट शॉप है ये एक्चुअल में। चलो ठीक है, और भाई साहब वो रोबोट तो उधर जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है? चीचा को मारे क्या? इससे कुछ असर पड़ेगा? कमर मटका मटका के चल रहे हैं भाई साहब। आइसक्रीम उठा लेते हैं भाई साहब, वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए हैं,
ये देखो तीन स्लॉट लगा दिया, यहाँ पे एक बटन आया, बटन को दबा दिया, यहाँ से मेरी बबल गम बनना तैयार होगी। और देख सकते हो साउंड इफेक्ट भी आ गया होगा आपने, वो बबल गम बन चुकी है मेरी, बट मैं देख नहीं पाया क्योंकि चीचा वहीं पे थे और ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का है। अभी चीचा जा रहे हैं, देख सकते हो, जाने देते हैं, उसकी नज़र में नहीं आते वरना परेशान करेगा। ऐसे भी हमने दो तीन ही काम करनी है, बस लास्ट पे ही है हम लोग। चीचा चले गए हैं, चलो ठीक है, ओके, दरवाज़ा खोल कर चले गए कहीं और, उस सीक्रेट दरवाजे के सामने चले गए। मेरे को भी वहीं पे जाना है एक्चुअल में। खैर ठीक है, ये बबल गम वाला फटाफट से करते हैं गाइस। और देख सकते हो बबल गम पकड़ लिया मैंने। अब इसका काम कहाँ पर है? इसका काम एकदम जहाँ पे वो रोबोटिक गार्ड जो सोया हुआ है ना, वहीं पे आने वाला है इसका काम। और जैसा देख सकते हो मैं फटाफट से जाता हूँ अभी। तो एक्चुअल में मैं सोच रहा हूँ ना इसकी आईडी कार्ड लेता हुआ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। बट पहले एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं पहले इसको लगा कर ही आते हैं, देन उसके बाद आईडी कार्ड से उसका काम कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे हो आईडी कार्ड की क्या ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर सब कुछ ज़रूरत पड़ेगा गाइस, सब कुछ ज़रूरत पड़ेगा। जो भी चीज़ें मिलेंगी आपने, आपको सब कुछ आपको यूटिलाइज़ करना पड़ेगा उस चीज़ का। तो जैसा देख सकते हो बबल गम, छोटी सी गम जो दिख रही ना, ये काम करेगी। अभी देखना किस तरह से। तो सबसे पहले भाग कर ऊपर जाना है हमने, वहीं पर जाना है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड। देखो मैं खेल भी रहा हूँ, आपको बता भी दे रहा हूँ, जब भी आप कभी खेलो तो प्रॉब्लम ना हो आपको, कौन सी वाली ऑब्जेक्ट, कौन से वाले सामान कहाँ पर लगानी, कहाँ पर यूज़ होनी है, देन उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा ना कौन सा सामान कहाँ यूज़ करना है। देन उसके बाद आपने बस इनसे बचना है बस। और ये से लोग इजी और नॉर्मल मोड पे बहुत स्लो खेलते हैं, आप लोग को पकड़ नहीं पाएंगे, आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहेगी। और ये रोबोट आपको डैमेज नहीं कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी देर के लिए हेल्ड कर सकते हैं ये। और देख सकते हो सिक्योरिटी के पास आ गया हूँ, देख सकते हो छोटे छोटे चार डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको गम चिपकानी है, तो फटाफट से चिपका देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार गम चिपका दिए, ठीक है। अब ये नीचे जाता है रास्ता जहाँ से मैंने फ्लोर तोड़ा था। और मैंने यहाँ पे तो कोई काम है नहीं वैसे, यहाँ पे क्या है? अच्छा बाथरूम है, खैर लगी नहीं है। खैर यहाँ से निकल के अब अपने अपने स्टोर पर आ चुके हैं, और मुझे चाहिए अब वो आईडी कार्ड गाइस। अब आईडी कार्ड से क्या होगा ना, वो दिखाता हूँ आपको आईडी कार्ड से क्या होगा। सबसे पहले आईडी कार्ड लेने जाते हैं, वो यहाँ पे सीक्रेट एक टॉयलेट था ना यहाँ पे कहीं पे, ये देखो यहाँ पे था। तो सबसे पहले तो आईडी कार्ड यहाँ से निकाल लेते हैं, लास्ट वाले दरवाजे पे था आई थिंक, ओके ठीक है, तो यहीं पे है। तो आईडी कार्ड निकाल लिया हमने, और यहाँ पे तीन दरवाजे हैं। सबसे पहला तो वेयर हाउस से बड़ा था, वहाँ पे बहुत सारे लॉक्स दिए हुए हैं जो कि आईडी कार्ड से ही खुलेगी। एक यहाँ पर है, यहाँ पर भी दो तीन है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्राई कर लेता हूँ कहीं यहीं से ना खुल जाए। तो यहाँ पर कार्ड मैच करवाना होता है, जो कि इसका कार्ड मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो तीन लॉकर है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ओके ठीक है। तो ये लॉकर नहीं है, बड़ा सा कॉरिडोर के सामने आ गया हूँ मैं। अरे यार ये छोटा सा कॉरिडोर पतला सा है, उस पर भी एक रोबोट घूम रहा है साफ़ सफाई करने वाला। खैर ठीक है, एक और सीक्रेट दरवाज़ा है जहाँ पे हमने मेन वाला काम करना है, जिसके लिए तामझाम कर रहे हैं ना, बस उसका ही काम करना है। ये देखो, ये नहीं, ये नहीं, ये सामने पे है। अरे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, इधर से नहीं होगा, इधर से नहीं होगा, हाँ अब इधर से होगा। ये देखो ये वाला जो रूम है ना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, यहाँ पे भी दो तीन बने हुए हैं उस टाइप के। ये देखो अगर यहाँ पे नहीं हुआ देन हमें गोडाउन जाना पड़ेगा, फिर गोडाउन आई मीन्स की वेयर हाउस जाना पड़ेगा। ओके सो लग गई गाइस। और देख सकते हो यहाँ पे कारपेट मिल चुकी है। अब ये कारपेट का क्या काम है? तो ये कारपेट का ही तो मेन काम है, वो जो फ्लोर टूटी हुई है ना गाइस, जहाँ पे हमने बबल गम चिपकाए हैं, ये कारपेट को ऐसे बिछाना है जैसे लगे कि वहाँ पे फ्लोर एक्चुअल में है अभी, ठीक है। ये झांसा देना है, ठीक है, ये झांसा कब काम आएगा मैं बता दूंगा आपको। तो देख सकते हो इससे हमारी टूटी हुई फ्लोर ना लगेगी नहीं कि टूटी हुई है, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल कारपेट से ढक चुकी है, बट वो एक्चुअल में टूटी हुई है। चलो ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये कोड्स याद रखने हैं गाइस, ठीक है। अब हमने कोड्स याद रख लेने हैं सिंपली से। तो 6 4, ओके 6 और 4 मिल गया। और जो जो कोड्स आपको दिखते जाए ना, उस पर टच भी करते जाना गाइस। 6 4 8, ओके 6 4 8 हो गया। और मुझे एक लास्ट कोड ढूंढनी है, 4 डिजिट के कोड होंगे, और इनको सीरियल वाइज लगाना है। जो भी कोड आपको स्टार्टिंग के टाइम पे मिली, ठीक है, तो उस टाइप के ही सीरियल कोड लगाने हैं आपने। तो 6 4 8 हो चुका है, और हमने चाहिए एक और कोड,
देखते हैं यहाँ पे कोट्स कहीं पे भी हो सकते हैं, कुर्सी के पीछे भी हो सकते हैं, टेबल के नीचे भी हो सकते हैं, तो ढूंढना पड़ता है थोड़ा। और नीचे वाले ये एरिया में ही रहेंगे गाइस, ये शॉप का जो सेक्शन है बस यहीं पे रहता है, बाकी आप लोग को ऊपर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे कोट ढूंढनी पड़ती है। कहीं पे भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के पीछे भी हो सकता है, ये जो छोटे छोटे पुतले बने हैं इनके पीछे भी हो सकते हैं, रोबोट्स वोट्स के पीछे नहीं रहेंगे। देखते हैं अब यहाँ से, तो स्टार्टिंग पॉइंट करा था, मेरे को 3 कोड तो यहीं पे मिल गए, 648 हुआ है मेरे को कोड मिला है, इसके पीछे तो ऑलरेडी 6 था ही था। एक ये वाला एरिया मैंने शायद से एक्सप्लोर नहीं करा है, शायद से उसके पीछे हो आई थिंक ये वाला, तो यहाँ पर देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके 6486 ये कोड है। ओके ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ से, और ये भाई जाने तो दे, ये लास्ट बस मेरी लास्ट है यार, ये इसके बाद और कोई काम नहीं करनी है यार। ये लास्ट वाले पे भी सायरन बजा दिया, मुझे डर लग रहा है कहीं वो जोकर ना आ जाए, आई मीन क्लाउन ना आ जाए, सारा किया धरा ख़राब हो जाएगा यार। चलो ठीक है, 6486 यही कोड था ना शायद, आई थिंक 6486 या कुछ और। अरे यार ये लोग मेरा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक बॉम्ब मिला था गाइस, बताना भूल गया, यहाँ पे एक बॉम्ब मिला था मेरे को, जो कि अभी मैं यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से मेरे को एक सीक्रेट वेपन चोरी करने का है, तो वहाँ पे मेरे को कोई नहीं मांगता है, ठीक है, इसलिए मेरे को उसको उड़ाना पड़ा। ये देख सकते हो यहाँ पे सीक्रेट दरवाज़ा दिख रहा है, जो कि एकदम सीधे ऊपर की तरफ जहाँ पे मैं कैद था ना, वहीं की तरफ जाता है। अभी मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। ये देख सकते हो रोबोट का तो क्या कोड था भाई, 6486 यही कोड था ना, खोल कर देखते हैं, काश दरवाजे खुल जाए। ओके फ्रेंड्स, दरवाज़ा खुल चुका है, यहाँ पे हमें मिल चुकी है इलेक्ट्रिक गन। अब भैया हम लोग जाएंगे बाहर, मतलब अब बाहर भी जाएंगे और अपने दोस्तों को भी यहाँ से छुड़वा के लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे रास्ता किधर है, ये देख सकते हो यहाँ से मैंने प्रेस करा और यहाँ से सीधे मैं वहीं पे निकलूँगा जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और मैं खुद ही कैद था। भाई मैं ऊपर क्यों जा रहा, अच्छा चलो ठीक है आ गया। ओ भाई ओ ठीक है ठीक है ठीक है, इंट्रूडर इंट्रूडर करता रहे, अभी मैं यहाँ से निकलूँगा पतली गली पकड़ कर। सबसे पहले तो इस गार्ड को लेटाऊँगा, देख सकते हो कारपेट एकदम अच्छी सी लगी हुई है। चाचा जाग गए, बड़े वाले चाचा जाग गए, आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ओ हो हो चाचा गिर गए, चाचा गिर गए, ठीक है चटनी बन गई चाचा की। और यहाँ पर बड़े वाले रोबोट का मैं नीचे गिरा दिया आराम से, और देख सकते हैं कंट्रोल रूम पे अब किसी का पैरा नहीं रहा, आप कंट्रोल रूम को खोलेंगे आराम से। यहाँ पर जाके ब्लू वाली बटन को जो दिख रही है, ये मेन बटन है सारी केजेस की, इससे हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं चोलू मोलू गोलू सारे छूट जाएंगे, सारे बाहर हो जाएंगे, ये ओके कितने खुश हो रहे हैं बच्चे सारे। ओके ओ चश्मा वाला कुछ कहना चाह रहा था। ओके तो चीचा यहाँ हाजिर हो चुके हैं, और चीचा को मैंने क्यों नहीं मारा इलेक्ट्रिक गन से, इसको भी देना चाहिए था ना, वो मोटे वाला फंस गया। ओके ठीक है ये भी निकल गया, ओ चलो ठीक है इनका लेक्चर सुन लेते हैं थोड़े देर के लिए। Well, these two don't take them very far. They're actually still inside my factory. क्या? It's only a matter of time before I find them. अबे तो मैंने इतने देर क्या किया? बस इनको छुड़वाया, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ दे यार, यू हैव फ्रीड योर फ्रेंड देयर केजेस बट यू हैव नॉट येट एस्केप फ्रॉम रॉड्स चिकलर। चलो कोई बात नहीं गाइज, एंडिंग सीन फाइनली, अगर मैं अकेला होकर अगर मैं अपने फ्रेंड्स को केजेस से निकाल सकता हूँ, तो अब तो मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी आज़ाद है यार। अब हम लोग चारों पाँचों मिलकर ना इस वाली फैक्ट्री से तो बाहर निकल ही पड़ेंगे, शायद मे बी नेक्स्ट वाले अपडेट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो। और देखो मैंने सारा कुछ ना सेट करके बताया, मैंने ऑलरेडी खेल रखा था ये वाली गेम, 2-3 बार खेला हूँ मैं, आज दोपहर को भी और सुबह में और कल रात को भी, तो उससे मुझे को मालूम चल गया कौन सी वाली सामान किधर को एडजस्ट करनी है सेट करनी है। जो भी एक्सपीरियंस था मैंने सारा कुछ शेयर किया आपके साथ में, आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, और आप जब भी खेलोगे इन फ्यूचर तो आप भी आराम से कर पाओगे इस वाली गेम से एस्केप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दो ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। और मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ बी हैप्पी एंड बाय।